हेलो वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, अगर आप लोग मार्वल मूवीज के फैन हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि मार्वल मूवीज जो है अपनी बैक टू बैक मूवीज निकाल रहा है। या अभी आपने डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी देखी थी, उसके बाद उन्होंने लव एंड थंडर थॉर की मूवी रिलीज करी, और अभी उनके थ्री मूवीज लाइनअप में हैं। जैसे कि उन्होंने ऑफिशियल ट्रेलर लॉन्च करा आई एम ग्रूट का, उसके बाद उन्होंने ट्रेलर लॉन्च करा ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर, और उसके बाद उन्होंने ट्रेलर लॉन्च करा किसका, ये सी हल्क एटर्निटी एट लॉ। तो यार, ये बैक टू बैक मूवीज़ का टीजर ट्रेलर लॉन्च करे जा रहे हैं, और ये भी मैं बता रहा हूँ ना आपको, कोरोना के टाइम से सब लोग रुके हुए थे कि यार जब कोरोना जाएगा उसके बाद अपनी हम मूवीज़ रिलीज़ करेंगे। तो आज हम इन्हीं तीनों मूवीज़ पे रिएक्शन दे, मूवीज़ के जो टीजर और ट्रेलर जो भी कहें उन पे रिएक्शन देने जा रहे हैं। तो आगे शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करेंगे आई एम ग्रूट का ट्रेलर का रिएक्शन। हीरो ऑफ फ्यू वर्ड्स आई एम ग्रूट। अरे उनकी पार्टी हो रही है। अच्छा, ये एनिमेटेड मूवी होने वाली है इनकी मेरे ख्याल से। और ये थिएटर्स में नहीं होगी अवेलेबल, ये खाली हॉटस्टार प्लस डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे होगी। ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे मूवी रिलीज होगी आई एम ग्रूट। अरे सही मूवी लग रही है। एक मिनट और दो सेकंड का ये ट्रेलर था। तो इसके बाद हम देखते हैं अब ब्लैक पैंथर। ब्लैक पैंथर कहाँ गए भाई जी? वकांडा फॉरएवर यही है। ये है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर का ऑफिशियल हिंदी टीजर। नो वुमेन नॉट क्राई। एक्चुअली जो ब्लैक पैंथर का पहले रोल करते थे उनका नाम था चैडविक बॉसमैन, जिनकी डेथ 2020 में हो गई थी। तो उसके बाद ये मूवी आ रही है वकांडा फॉरएवर। तो देखते हैं क्या होता है इस टीजर में, क्या क्या दिखाया गया है। तो यार, ये मूवी जो है काफ़ी इमोशनल होने वाली है, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से जो वो बने थे, जो चैडविक बॉसमैन जो इसका ब्लैक पैंथर का रोल करते थे, तो उनका बेटा पैदा हो गया है। तो अब मेरे ख्याल से उसको कोई स्टोरी आगे बढ़ाएगा। मूवी में जो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है ना, वो काफी अच्छा सॉन्ग लग रहा है मेरे को। सर्च करूंगा उसको। मैं महारानी हूँ इस दुनिया के सबसे ताकतवर देश की, और मेरा पूरा परिवार मिट चुका है। इतनी कुर्बानी काफी नहीं। Thank you.
ये था वकांडा फॉरएवर, ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर इन सिनेमास नवंबर ऑफ 11। तो ये नवंबर ऑफ 11 को मूवी रिलीज हो रही है और ये इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा एंड मलयालम, मतलब पैन इंडिया मूवी, मतलब वर्ल्ड वाइड मूवी रिलीज होगी। और ये मूवी मेरे को देखो ट्रेलर देखा है मैंने, तो ट्रेलर देखे तो काफ़ी टीज़र है तो टीज़र देखिए यार, काफ़ी अच्छी एक वाइब सी दे दी है मूवी ने, ये अच्छी मूवी आने वाली है। तो उसके नीचे कमेंट पढ़ा जाए तो मोर देन 10 टाइम्स आई हैव वॉच दिस टीज़र बट एवरी सिंगल टाइम मेक्स मी इमोशनल, वकांडा फॉरएवर। सही बात है यार, इट्स नॉट अ मूवी, इट्स एन इमोशन, वी स्टिल रिमेंबर चैडविक बोसमैन वकांडा फॉरएवर। तो यार ये था अभी आपका ब्लैक पैंथर का टीज़र, अभी हम देखेंगे किसका नेक्स्ट हमारी जो मूवी थी सी हल्क एटर्निटी एट लॉ। तो प्ले करते हैं इसका टीज़र, अब ये फुल ट्रेलर है। अरे क्या तुम पूरे पागल हो गए हो? अभी भी कंट्रोल में हो, ज्यादा गुस्सा तो महसूस नहीं हो रहा? नहीं, बस मामूली सा गुस्सा आ रहा है। सोते वक्त तुम फिर से जैन के रूप में आ जाती हो। वो भोंपू बजाना क्या जरूरी था? थोड़ी कॉमेडी के लिए बहुत जरूरी था यार ये। हल्की ना जब से वो वाली मूवी आई थी एंड गेम के बाद से हल्क जो हो गया अपना शांत स्वभाव का आदमी बन चुका है, उसको गुस्सा कंट्रोल करना आ गया है अपना। कई सालों का सफर है जिसका तुम्हें हम सफर बनना होगा। देखो उप सरी बेस्ट फ्रेंड का नाम बताओ। निकी। स्पैंडेक्स। स्पैंडेक्स ही है आज से तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड। अच्छा, हल्क बनने के लिए बैलेंस जरूरी है। अरे यार अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। ये सब स्टंट्स तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। सब तरीका। अगर अपनी लॉयर वाली जिंदगी में लौटना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज नहीं। मुझे पता है झूठ बोल रहा है। सुपर पावर वाले लोग आजकल हर तरफ दिखने लगे हैं। हम उनके लिए एक नया डिवीजन खोलने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम शी हल्क उस नए डिवीजन का चेहरा बने। जेनिफर वॉल्टर्स, नमस्ते। मैं ये केस नहीं लड़ सकती, इस आदमी ने मेरे कजिन को मारने की कोशिश की थी, ब्रूस को। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है। आओ। लोगों को इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि मैं एमिल ब्रॉन्स्की की लॉयर हूँ। मुझे इन्होंने यार अलग ही अब सीरीज निकाल दी सी हल्क की। पहले हल्क था अपना, हल्क नॉर्मल हुआ तो सी हल्क भी आ गई, अटॉर्निटी एट लॉ, मतलब एक लॉयर को इन्होंने हल्क बना दिया है। अबे यार सी हल्क सॉरी। तो लगता है उन्हें इंटरेस्ट है क्योंकि वो कहते हैं मजा तो आ रहा है। जैन, बदलने का वक्त आ गया। ये मेरी सबसे फेवरेट ड्रेस है। मुझे बिल्कुल नहीं करना है। ओहो, तो ये मतलब हम सीधा नेक्स्ट मंथ ही रिलीज हो रही है। हमारा ब्रह्मांड तबाही के कगार पर खड़ा है। ओह, डॉक्टर स्ट्रेंज का। देखिए मैं एक लॉयर हूँ। अरे और सिर्फ कायदे से काम करती हूँ। विशांति ग्रंथ के नहीं बल्कि अमेरिकन लॉ के कायदे। तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे तुम हो एक सुपर हीरो। तो हो जाए। वो स्कूल का एक बच्चा याद है तुम्हें जो सबसे कूल था, सबसे स्मार्ट था, सबसे पॉपुलर हुआ करता था। हेलो मुझे तुमसे जलन हो रही है, क्या दिन आ गए हैं यार। सी हल्क एटर्निटी एट लॉ। तो ये मूवी रिलीज हो रही है ओरिजिनल सीरीज स्ट्रीमिंग अगस्त 19। ये सीरीज है? अच्छा जी, तो सी हल्क एक सीरीज है, मुझे लगा मूवी रिलीज हो रही है। ये मूवी तो वही आ रही है आपकी ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर वाली, और ये सीरीज है वो, और जो आपकी वो थी ओटीटी, यानी कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ये भी आएगी और आई एम ग्रुप भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आएगी, और आपकी जो मूवी है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर का जो टीजर हमने देखा वो रिलीज होगा आपका सिनेमा में। तो ये बात है। तो इस मूवी के नीचे आप देखते हैं, देखो वी मिस्ड ओल्ड हल्क, इसे कमेंट्स पढ़ रहे हैं हम। वी मिस्ड ओल्ड हल्क, डेवरडेविल इन द हाउस, हु वाज मिसिंग ओल्ड एवेंजर्स, सब भी मिस कर रहे हैं यार। एवेंजर्स के ऊपर कुछ मूवी बनाओ भाई फिर से। द हिंदी वॉइस ऑफ सी हल्क इज एक्चुअली ग्रेट। सही बात है। आई एम लिटरली शाउटिंग आफ्टर सीइंग डेयरडेविल, गूस बम्प मोमेंट्स मैन। सही बात है, डेयरडेविल भाई बहुत टाइम बाद दिखाया है।
होल ट्रेलर वॉज लाइक हैप्पी वाइफ्स एंड शिटकॉम टाइप. सही बात है. बट इन द एंड यू रियली गॉट ऑल द मार्वल फैंस बाई गिविंग ग्लिम्प्स ऑफ डेयरडेविल इन फ्रंट ऑफ सी हल्क इन ओल्ड शू. सही बात है यार. वो डेयरडेविल का जो इंटरव्यू वो था ना, वो आते हुए जो दिखाता है अपने ओल्ड शूट में, तो वो देख के मजा आ गया यार. आई एम ह्यूज फैन ऑफ हल्क. एवरी हीरो गेट एंडिंग बट बैनर. दिस इज़ वेरी सैड. आई कॉन्ट डिस्क्राइब इन दिस यूनिवर्स. सही बात है यार. जो क्या नाम है हल्क है ना, वो पहले वाला जो था ना पागल वाला जो बनता रहा, उसमें मजा आता था देखने में यार सच में. तो ये थे यार कुछ कमेंट्स जो कि हमने पढ़े. और जो ये मूवीज़ रिलीज हो रही है मार्वल स्टूडियो से बैक टू बैक, आई एम ग्रूट, सी हल्क एटर्निटी एट लॉ, और सेकेंड थर्ड लास्ट नवंबर 11 को जो रिलीज़ हो रही है वो है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर. तो ये तीनों ही मूवी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हो रही है. नहीं सॉरी, दो जो मूवी रिलीज़ हो रही है आई एम ग्रूट एंड सी हल्क, ये दोनों हो रही है OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़. और जो तीसरी मूवी है वो हो रही है वर्ल्ड वाइड रिलीज़ जो कि है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर. तो यार आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.